नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोटैटो हिंदी की एक नया एपिसोड पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोग तो जान ही गए होंगे कि पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा जिले पे टोटल कितना पैकेट आलू लोड हुआ। जी हाँ, 2023 साल पे बांकुड़ा जिले की हिमघरों पे 1,34,81,803 पैकेट आलू लोड हुए हैं। चलिए अभी हम बांकुड़ा जिले की शिमलापाल क्षेत्र का जाने माने आलू व्यापारी तापस सिन्हा महापात्र से बात करेंगे और उनसे जान लेंगे कौन कौन सी हिमघर पे टोटल कितना पैकेट आलू रखा गया, क्या है बांकुड़ा जिले की आलू की वर्तमान स्थिति और आज बांकुड़ा जिले की किस क्षेत्र पे आलू का क्या रेट है। दोस्तों, बांकुड़ा जिले की 2023 साल का आलू का लोडिंग रिपोर्ट संपर्कित इस रिपोर्ट को तूफान की गति पे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो बंगाल की आलू संपर्कित सभी खबर हर दिन हिंदी भाषा में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर दीजिए। तापस जी नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम टू इंडिया पोटैटो न्यूज़। थैंक यू। आज आपकी बांकुड़ा जिले पे आलू का क्या रेट है पहले बताइए। आलू का रेट है, किसान का भाव है यह 1,000 रुपया क्विंटल, 500 रुपया पर पैकेट, 50 किलो का। जी, ज्योति का। और ज्योति को छोड़ के बाकी केवाईस और पोखरा जी खत्म हो गया मेरा यहाँ। ओके, सिर्फ ज्योति का। जी जी जी, बंद हो गया, सब बंद हो गया, सब भर गया। ओके, इस साल आपकी बांकुड़ा जिले पे टोटल कितना कोल्ड स्टोर पे आलू लोड हुआ सर जी? देखिए, मेरा यहाँ 51 स्टोर है, 51 एक तो नया बना है इसलिए 51, और इसमें से 6 बंद है। 45 कोल्ड स्टोर में अभी लोडिंग इस साल पूरा हुआ। ओके, तो आप हमारी दर्शकों को बता दीजिए कि इस साल टोटल कितना पैकेट आलू आपकी पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा जिले में लोड हुआ? अच्छा, देखिए अभी टोटल हम लोग का हिसाब, टोटल लोड हुआ 1,34,83,803 पैकेट। पिछले साल से इस साल क्या ज्यादा हुआ? ज्यादा, 7 लाख ज्यादा। पिछले साल हुआ था शायद 1,27,000। जी, इस साल आपका हुआ 7 लाख से ज्यादा है। ओके, अभी आपकी टोटल जो 45 जो स्टोर है, किस स्टोर पे इस साल कितना लोड हुआ हमें वो रिपोर्ट बता दीजिए। अच्छा, एक नंबर है बीरेश्वर कोल्ड स्टोर 3,02,792, सिद्धेश्वरी कोल्ड स्टोर 1,97,962, हिमघर उद्योग 2,79,284, कमला कोल्ड स्टोर 3,47,459, जीएम कोल्ड स्टोर 4,92,276, लोनीवाला कोल्ड स्टोर 1,46,054, चंडीचरण कोल्ड स्टोर 3,18,808। ये सात कोतुलपुर का है। और बाकी जो है और आगे है आपका माँ शारदा कोल्ड स्टोर 4,13,000, सोनार बांग्ला कोल्ड स्टोर 3,60,000, सिद्धेश्वरी कोल्ड स्टोर 3,44,000, जयराम बाटिका। अच्छा, शांतिमयी कोल्ड स्टोर 3,23,000, राधाकांत कोल्ड स्टोर 3,45,917, शांतिमा कोल्ड स्टोर 2,68,000, जयगुरु कोल्ड स्टोर 3,38,000, शिरोमणि कोल्ड स्टोर 2,39,200, मंडल कोल्ड स्टोर 3,15,000, करुणमयी कोल्ड स्टोर 3,66,000, निरुपमा कोल्ड स्टोर 4,90,000, मुक्त केजी कोल्ड स्टोर 4,06,800, निर्विन कोल्ड स्टोर 2,31,000, विष्णु वल्लभ कोल्ड स्टोर 2,17,000, महाप्रभु कोल्ड स्टोर 2,51,000, पुण्यगौरी कोल्ड स्टोर 4,51,000, एमके कोल्ड स्टोर 3,04,350, गोविंद कोल्ड स्टोर 2,69,120, सारंगा समवाय समिति बंद है, कमलाकांत कोल्ड स्टोर 3,60,110, रायपुर कोल्ड स्टोर 2,23,000, करुणमयी कोल्ड स्टोर 2,52,120, मंडल आइस एंड कोल्ड स्टोर 5,96,000, विष्णुपुर हिमघर 2,20,000, राधारानी कोल्ड स्टोर 1,45,000, कुंडू कोल्ड स्टोर 4,13,000, बेलियातोर कोल्ड स्टोर 97,000, हिमघर रंगामाटी 15,000, सीएडीए कोल्ड स्टोर आपका हो गया सोनामुखी 2,17,000, प्रसन्नजीत कोल्ड स्टोर 3,10,000, जगदीश्वर कोल्ड स्टोर 3,94,000, पात्रसार समवाय समिति 81,000, दुधेपुकुर कोल्ड स्टोर 3,65,000, सीए कोल्ड स्टोर 1,55,000, एसएम कोल्ड स्टोर 3,55,000, राधा गोविंद कोल्ड स्टोर 3,62,851, पंपा कोल्ड स्टोर इस साल नया बना है 3,47,600, कुल मिला के 1,44,000
34,83,803 पैकेट। नया जो स्टोर खुला, जो पॉम्पा स्टोर आपने पिछले बार भी इंटरव्यू में कहा था, वो कहाँ पे है? वो आपका हो गया सिमलापाल, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिमलापाल ब्लॉक थाना और भेदुआ, वो ग्राम का नाम है, जो विलेज है उसका नाम है भेदुआ। सिमलापाल यूनिट पे पड़ता है? नहीं, अभी यूनिट कुछ बना नहीं है उसमें, अभी सिमलापाल थाना में है। क्या लगता कि 30 नवंबर तक हंसते हंसते आपकी जिले का ये आलू सारा निकासी हो जाएगा? ये जो आप बाहर 30 नवंबर देखिए, देखिए अभी तो इस साल तो दाम कम है और लोडिंग तो इस साल ज़्यादा हुआ है, अगर कस्टमर जैसा, ग्राहक जैसा मिलेगा उतना ही निकासी जैसे होगा, तो अभी कुछ कह नहीं सकता है। डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। जी 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 जी, है ना? ओके, तो इस लोडिंग रिपोर्ट को देखते हुए जो हमारी जो दर्शक है जिन्होंने बहुत इंतजाम करके ये वीडियो देख रहा है, उनको आप क्या बताएंगे कि बांकुड़ा जिले की जो आलू की जो वर्तमान स्थिति है, इसके लिए आपका क्या, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, हम जो रोड जो दिखाई दे रहा है, सामने जो रोड है वो रोड थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पूरा रोड नहीं दिखाई दे रहा है। आगे रोड में चलना मुश्किल से चलना होगा, तो ऐसा कि रोड की अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन देख देख के चलना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि समय सुजोग मिलने से, ग्राहक मिलने से आपको आलू, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलना होगा। आपको जैसा, आपको जैसे हम लोग अभी किसान का भाव था 1,000 में, बहुत लोग बोला कि 1,000 मिलने से आलू बेच देगा, लेकिन चार पाँच दिन से पहले 1,000 हो गया, लेकिन वो लोग आलू नहीं बेचाए। तो एक तो डेस्टिनेशन होना चाहिए कि इसमें हम आलू बेच देगा। देखिए 90, 92, 95 तो लोड हुआ है, 1,00,000 में हमको, 1,00,000 में हम खुशी है। उस टाइम मिलेगा तो नहीं बेचा तो 1,20,000 मांगेगा, वो नहीं होगा, वो बाद में नुकसान में पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे हुआ, लास्ट में ऐसे हुआ था। तो एक तो आपको डिमांड, जो मेरा जो डिमांड है वो पूरा होने से आपको बेच देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे इंडिया। थैंक यू वेरी मच।